आप सभी का स्वागत है हमारी गेम द गोस्ट ऑफ सुशीमा के गेम प्ले नंबर 22 में। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने पिछले गेम प्ले में देखा कि जिन कैसे अंकल शिमुरा के महल से कैसल से भागता है और वो अपना एक स्थान बनाता है, शेल्टर बनाता है जहाँ पर वो रह सके। वो इस नए जगह पर, नए कैसल में, फोर्ट में कब्जा करता है कुछ और साथियों को साथ में मिलाकर। और अभी जहीं से ही शुरू होगी जिनकी जंग मंगोलियंस के खिलाफ, खुटन के खिलाफ, और खुटन को जहाँ से कैसे भगाना है सुशीमा की धरती से, जिन्हें भी देखेगा जहाँ से। तो चलिए बढ़ते हैं आज मेरे साथ के जिन क्या करने वाला है खुटन की से अपनी धरती सुशीमा को बचाने के लिए। तो देखते हैं अब मेरे साथ। तो भाई आज करेंगे हम जो मिशन है, मैं कह रहा हूँ आज मिथिकल टेल की जाए। I've heard people are climbing Mount Jogaku in search of the same power the Mongols used to light their blades aflame. ये वही है जिससे हमारी कटाना को आग लग जाती है और कटाना से बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक कर सकता है हमारा प्रोटैगनिस्ट। ये पहले से ही मंगोलियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको ये तकनीक आती है। अब जिन भी वो तकनीक सीखेगा इस मिथिकल टेल को जब सुनेगा मजिशियन से, जो मजिशियन है वो माउंटेन के पास ही बैठा है। अब उसके बाद चलते हैं और सुनते हैं जो मिथिकल टेल को। तो बढ़ते हैं उसकी तरफ और सुनते हैं जे टेल और देखते हैं जे मिशन कैसे किया जाएगा। जे मिथिकल टेल पहले भी बहुत मुश्किल मुश्किल मिथिकल टेल्स की हैं। मैं कोशिश करूंगा जितनी कर सकूं मिथिकल टेल करूं और साइड मिशंस भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाऊं, क्योंकि हमारी गेम का अब अंत नज़दीक ही है। खुटन खान का अंत अब नज़दीक ही है। तो बढ़ते हैं पहले उस मजिशियन की तरफ जो सुनाएगा हमें वो मिथिकल टेल। जमाटो ठंड से काम रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि जहाँ पर सर्दी बहुत है भाई, एक तो मुझे अंदाज़ा लग रहा है जी इस जो मिशन है जो इस पर सर्दी का प्रभाव इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही रहने वाला है। ये गोल्डन चिड़िया भी आ गई भाई, ये लेकर चलिए हम उसी जमाटो की तरफ। अभी पता लगता है क्या है ये मिथिकल टेल की जाए इससे बात और पता लगेगा क्या रहा है। लकड़ी गीली है इसलिए आग नहीं जल पा रही। जिन कह रहा है कि मैं जलाता हूँ लाइट ताकि तुम्हें ना लगे सर्दी, तुम वार्म महसूस करो। The fire not light? No, my lord. The wood is too wet. अब सुनाएगा जी इस माउंटेन की टेल। Let me try. सुनते हैं इस कहानी को। Oh, never been so cold. You'd be better off somewhere warmer. As would you, my lord. For now, share the fire with me. And listen to the tale of this mountain. Long ago, fire fell from the sky and landed atop Mount Jogaku. A lone warrior braved the dangerous climb and found a giant rock covered in flames. He touched his sword to the fire. Flames engulfed the steel, but left him unharmed. He created a new fighting style he called the Way of the Flame.
The warrior took pieces of the rock west with him to China. There he sought answers about its origin from learned monks and scholars. After months of travel and research, fire fell from the sky once more. He led the people to it and showed them it was nothing to fear. For he believed the way of the flame was a gift from the heavens. And he shared its secrets with all who wished to learn. इस magician के अनुसार जो Mount Jogaku है उस पर एक आसमान से आग गिरी और उस माउंटेन को आग लगी रॉक को और एक बहादुर जो वॉरियर था योद्धा था वहां तक पहुंचा और उसने अपनी जो कटाना थी उसका ब्लेड उसको टच किया और उसकी जो कटाना थी उसका ब्लेड उसको फायर लग गई और पर फायर ने उसे नहीं जलाया। इसका कहना है कि वो फ्लेम के पत्थर हैं जो स्टोन है वो अपने साथ चाइना ले गया उसके लिए सर्च करने के लिए कि वो सर्च कर सके और उसने पता लगाया। फिर वो जहां वापस आया और उसने कहा कि ये जो फ्लेम है ये ऊपर स्वर्ग से आई है और इससे कोई भी सीख सकता है जो सीखना चाहे वो ऊपर माउंटेन पर है और जो भी जहां पर पहुंच गया वो ये सीख सकेगा। और इसको उसने वे ऑफ फ्लेम का नाम दिया। इस फाइटिंग स्टाइल को नया फाइटिंग स्टाइल भी उसने डेवलप किया और हम अपना बदलते हैं पहले आर्मर ट्रैवल टायर पहनते हैं ताकि आगे का रास्ता साफ साफ दिखे और बढ़ते हैं इसकी तरफ ताकि हम भी सीख सकें इस टेक्निक को बढ़िया तरीके से। और वो आदमी जो स्टोन है वो किसी को भी उसके जरिए खाने की कोशिश करता है। वो कह रहा है जो पहुँच जाएगा उस माउंटेन के ऊपर वो सीख सकेगा उस स्टाइल को। तो हम भी सीखेंगे भाई जिन के साथ जिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उस माउंटेन कौन सी भी माउंटेन हो उस पर चढ़ जाएगा और सीख के दिखाएगा उस स्टाइल को। ट्रैवल टायर पहन लिया अपने ऊपर हेड बैंड भी पहन लिया जिन ने और चलता है जिन ऊपर की तरफ। एक बात पक्की है जे इजी नहीं होने वाला है मिशन। जिन थोड़ा सा धीरे चल रहा है भाई जहां पर आग जला रखी है भाई। आग सेकनी चाहिए या नहीं तो चलो बढ़ते हैं आग बाग से हमने क्या लेना है आगे बढ़ते हैं भाई। बढ़ा जाए जल्दी जल्दी। ओ जिन को सर्दी लग रही है। ओ मैं मुझे लग रहा है इस जो मिशन है इस पर सर्दी का प्रभाव जरूर रहेगा इफेक्ट। मेरी मॉनिटर पर स्क्रीन पर दिख रही है भाई बर्फ। इसका मतलब है जरूर इस पर प्रभाव पड़ेगा। ओ जहां पर आग से ओ जन ठीक हो गया भाई। ओ भाई मुझे पता लग गया ज्यादा देर आग से दूर नहीं रहना आग के नजदीक रहना ताकि जब भी ज़्यादा दूर जाएगा जिन मर सकता है इसलिए दौड़ के किसी भी आग के पास पहुंचना है ताकि सर्दी को भगाया जा सके और बढ़िया से तरीके से गर्म हो जाए। तो चलो भाई अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जहां पर आग मिलेगी और बढ़ते हैं और लेते हैं इस गर्म मौसम की ठंडे मौसम में गर्मी का एहसास। अरे भाई जहाँ पर कुत्ते कुत्ते भी छोड़ रखे हैं। खतरा सिर्फ इस सर्दी का ही नहीं है भाई साथ ही साथ कुत्ते भी हैं। जहाँ पर आग है भाई आगे बाद में बढ़ेंगे पहले इससे थोड़ी सी वार्म ले ली जाए भाई। समझदारी से करना पड़ेगा नहीं तो जिन मर जाएगा भाई। अब ले लिया गर्मी अब बढ़ते हैं आगे भाई। चला जाए भाई आगे अब जल्दी जल्दी। भाई ऊपर उधर टांगने के लिए है कुछ
फायर के पास पहुंचना है अब जल्दी जल्दी। जिन मर जाएगा जल्दी है आग आ गया भाई बच गया जिन। अब बढ़ा जाए आगे फिर जहां पर वो कुत्ता सा है भाई कुत्ते छोड़ रखे हैं कुत्ते कुत्तों को क्यों लाना था भाई। चलो कोई बात नहीं इनको कलेक्ट करने का मेरे पास समय नहीं भाई इनको मार के फिर वहां पर गर्मी ली जाए भाई। अब फिर ठंडक महसूस होने लगी है भाई अब जल्दी से जल्दी मुझे लग रहा है उधर है पकड़ने को जहां पर पकड़ कर चढ़ा गया था ऊपर चढ़ा गया। Are you all right? My pride hurts more than my body. It's an unforgiving mountain. What were you hoping to find? है भाई मिल गई फिर power. बच गया भाई। Anything. A flaming sword would be useful in a place like this. ये कह रहा है जहां पर बैठकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो बात की जाए इससे थोड़ी देर। जैसे भाई इकट्ठा हुआ बैठा है लग रहा है तेरे को ठीक पूरा सर्दी से सुकड़ गया है ये तो। Getting colder. कह रहा है भाई तू बढ़िया होगा तेरे को गुड लक कहता हूँ तुम बहुत हुआ हिम्मत वाला पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जा जल्दी जल्दी और सीख जाके वो टेक्निक फ्लेम ऑन द स्वॉर्ड। भाई तू बैठ के जा इंतजार कर जिन उतना ताकतवर है कि वो इस फ्लेम के पास पहुंच सके। चल भाई आगे बढ़ते हैं अब आगे किस तरफ जाए भाई जिन अलग ही डरा रहा है बार बार कोल्डर कोल्डर है मुझे मालूम है कि तू जल जाए ठंड से तेरा बुरा हाल हो रहा है मुझे लग रहा है यार ऐसी ना हो जो मिशन ही फेल करा दे जिस तरह से डरा रहा है। चलो भाई उसकी उस ओर फेंकी जाए हुक। ओ भाई जहां पर आग खुद जलानी है भाई so cold. खुद आग जलानी है ताकि ठंडक को भगाया जा सके। Soon. Need a fire soon. बहुत सारे राइट जो क्लाइंबर थे उन्होंने इस पर कुछ ना कुछ लिखा है कुछ ही पॉइंट पाएंगे टॉप तक वहां पर आज जिन वहां पहुंचेगा जिनको कुछ भी लिख कर जाने की जरूरत नहीं जिन पहुंचेगा ही वहां पर। नेवर बीन सो कोल्ड। अरे भाई है कोल्ड मैम कहां कह रहा हूं नहीं है कोल्ड। जल्दी पहुंचते हैं भाई देखते हैं कहीं पर हो फायर हो तुम्हें दिलाता हूं भाई फायर। So cold. वो वहां पर है भाई पर जलानी पड़ेगी बात अलग है।
take much more cold. वो तो बात सही है भाई तेरी, कितनी सर्दी कहाँ लगी होगी। Someone built a dojo here. Welcome, my lord. Call me Betoma. अब चढ़ते हैं भाई ऊपर। Jin Sakai, I wasn't expecting to find anyone up here. I've wondered if any would make the climb. ओए भाई, you seek the way. यहाँ पर तो वीर छोड़ रखा है। Invaders from the west with flaming swords threatened Tsushima. They brought back the gift offered to them by my ancestor. Teach me, Betoma. A samurai will show the Mongols the true power of your way. Take a piece of the rock, and we will face each other in combat. Only then will you learn the way. अब यहाँ पर इस बालू से ही बचना है भाई। अरे भाई अब पहुँच गए ऊपर, जहाँ पर किसी ने डोजो बना रखा है। बेटोमर, ये बेटोमर है इसका नाम। ये वही आदमी है जो कह रहा है कि भी जो भी जहाँ तक पहुँच जाएगा वो बेटू फ्लेम का टीका सीखेगा, ये वो उसको सिखाएगा। कह रहा है रॉक का पीस उठाओ और हम एक दूसरा कम्बैट करेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे फ्लेम लगती है अपनी कटाना को, कटाना के ब्लेड को। ब्लेड को उठाया जाए भाई, फिर कम्बैट करते हैं इसके साथ। अब बेटोमर के पास पहुंचा जाए और सीखी जाए वो तकनीक। अब भाई इससे साथ लड़ाई करनी है ताकि वो टीम सीखी जा सके। The way of the flame is unforgiving. अब इसने कहा कि जिनको फ्लेम लगाओ अपनी कटाना को ताकि तुम भी सीख सको ये तरीका। जिन भाई सीख गया तरीका, जिन ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकता, जिन भी तेज है भाई। जिन ने कह दिया भाई ये तरीका आपस में युद्ध लड़ने के लिए नहीं है, बस एक दूसरे को मारने के लिए नहीं है, हम तो सीखने के लिए कर रहे थे। तो चलो भाई जिन सीख गया जिस तरीका वो अब दिख रहा है ना आपको रिजॉल्व के पास। हमें वो ऑयल पड़ेगी जब भी हमें लगानी होगी कटाना को आग। अब इस माउंट से नीचे की ओर चलना है जहाँ पर मुझे लग रहा है सीधी ऑप्शन ही है नीचे जाने की, डिसेंड एट जोकाकू। बढ़ते हैं भाई फिर, अब चलकर उसको बताते हैं जो था। म्यूजिशियन के बाकी में ये तकनीक है, ऐसे नहीं था।
ये कोई र्यूमर नहीं था, बाकी में ये तरीका है। अब ये तरीका है जिनने कह दिया कि सिर्फ मंगोल के पास ही नहीं है, हमारे पास भी है भाई। You returned safely. It was a treacherous climb, but I've learned the way of the flame. It's unruly and powerful, my lord. Take care, the flames do not burn. तो भाई हमारा आज का मिशन ये मिथिकल टेल जहीं पूरी होती है। मिलते हैं अगले गेम प्ले में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, नाइस टाइम, सी यू लेटर। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस को, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you.